अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू भारत किचन। आज मैं दाल शिदूरी बनाने जा रही हूँ, इसकी मुझे रिक्वेस्ट थी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने 1.25 किलो गोश्त लिया है बकरे का, इसको अच्छे से धोकर रखा है। इसके लिए 5 बड़े प्याज को मैंने कट करके रखा है। ये आलू है, 3 आलू लिए मैंने, इसको भी कट करके पानी में रखा है। 5 बड़े टमाटर को कट करके लेंगे, बड़े बड़े मैंने इस तरह से कट करके लिए। ये बड़े कट ऐसे गोल गोल काटेंगे तो जल्दी गल जाते हैं। और ये सूखा खोबरा है, थोड़ा सा लिया है मैंने। ये खड़ा गरम मसाला है, 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 इलायची, लौंग, 8-10 काली मिर्ची, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टेबल स्पून धनिया जीरा पाउडर है भुना हुआ, 1 टीस्पून बड़ी सौंफ है, 2 टीस्पून भर के हरा मसाला लेंगे, अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और 4 टीस्पून भर के मैंने कोकनी मसाला लिया है। और ये शिकोरी है, धान शिकोरी, उसके लिए प्याज टमाटर ज़्यादा लगता है। तो सबसे पहले हम लोग गोश्त को मसाला लगा कर लेंगे। एक बड़े बर्तन में मैंने गोश्त को डाल दिया, उसमें नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, लाल मसाला, धनिया जीरे का पाउडर और ये हरा मसाला डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके लेंगे। इसको डेक का सालन भी बोलते हैं और धान चिकोरी भी बोलते हैं, ये बहुत मज़े का बनता है। इसको आप मसाला लगा कर लेंगे, रखेंगे गोश्त को 10 मिनट तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए, ये मसाला लग चुका है। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए रखूंगी और तब तक हम लोग खोपरा और बड़ी सेब को भून कर लेंगे। ये देखिए, एक मैंने पैन गरम होने रखा है, इसमें खोपरा डालेंगे और इसको सूखा ही भुनना है। मैंने थोड़ा सा ही लिया है, आपको अगर ज़्यादा ग्रेवी बनानी है तो ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि इसमें प्याज टमाटर ज़्यादा रहता है तो ग्रेवी अच्छी बनती है गाढ़ी। अब इसमें बड़ी सौंफ डालेंगे, इसको भी 1 मिनट तक भुनेंगे थोड़ी खुशबू आने तक। इसमें बड़ी सौंफ का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए, ये हो चुका है, इसमें से खुशबू आनी शुरू हो गई। गैस को बंद करेंगे और इसको ठंडा होने देंगे, फिर इसको मिक्सी में डालकर बारीक पीस कर लेंगे, थोड़ा पानी डालकर पीसेंगे। ये देखिए, मैंने मिक्सी पॉट में डाल दिया है बड़ी सौंफ और खोपरा, इसमें मैं थोड़ा पानी डालूंगी 1/2 बाटी और इसको बारीक हम लोग पेस्ट बना कर लेंगे। ये देखिए, हमारा पेस्ट बनके तैयार है, इतना बारीक मैंने पीस कर लिया है पानी डालकर। अभी हम लोग ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं, शिकोरी बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, एक बर्तन में मैंने तेल गरम होने रखा है, 4 बड़े चम्मच मैंने तेल डाला है, इसमें तेल भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। अब हम इसमें खड़ा गरम मसाला डालेंगे, इसको थोड़ा सा भून कर लेंगे इसका फ्लेवर आने के लिए। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी, प्याज को अच्छा हम लोग फ्राई करके लेंगे गुलाबी कलर आने तक, हल्का गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करके लेते हैं। ये देखिए, प्याज अच्छे से गुलाबी हो गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से अच्छा गुलाबी कलर आना चाहिए। अब इसके अंदर हम लोग गोश्त डालेंगे जो मसाला लगा कर रखा हुआ है, और इसको अच्छे से हम लोग भून कर लेंगे 1-2-3 मिनट के लिए। अच्छे से भूनने के बाद इसमें हम लोग टमाटर डालेंगे। अब इसको डायरेक्ट कुकर में भी बना सकते हैं, कुकर में जल्दी पक जाता है, लेकिन मैं इसमें हंडी में ही बना रही हूँ। जितना ये पककर इसमें टेस्ट आता है उतना कुकर में नहीं आता है,
थोड़ा टाइम लगता है इसको पकने के लिए, लेकिन अच्छा टेस्टी बनता है। इसको अच्छे से 2-3 मिनट हम लोग भून कर लेंगे, फिर टमाटर डालेंगे। ढक्कन डालकर इसको भून कर लेते हैं। ये देखिए मैंने 2-3 मिनट इसको अच्छे से भून लिया है। ये देखिए अब तेल अच्छे से निकलना शुरू हो गया। अब इसमें हम लोग टमाटर डालेंगे। टमाटर को मिक्स करके लेंगे अच्छे से। अब टमाटर को गलने देते हैं ढक्कन डालकर। अच्छे से गलने के बाद फिर हम लोग पानी डालकर इसको पकने के लिए छोड़ेंगे। ये देखिए ये टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। मैंने इसको अच्छे से भून कर लिया है, पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है। अब देख सकते हैं टमाटर गल चुके हैं और इसको मैंने हाई फ्लेम पे ही भून कर लिया है। और अगर आपके पास कोकनी मसाला नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मिर्ची पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर डालकर भी बना सकते हैं। अब मैं इसमें पानी डालूँगी ज़रूरत के हिसाब से। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। और इसको अभी ढक्कन डालकर मीडियम फ्लेम पर हम लोग पकने छोड़ेंगे। जब तक गोश्त अच्छे से गल नहीं जाता तब तक इसको हम लोग पका कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें आलू, गरम मसाला पाउडर और खोबरा जो हमने पीस कर रखा है वो डालेंगे। अभी इसको हम लोग पकने देते हैं। ये देखिए गोश्त पकते हुए आधा घंटा हो गया और ये गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब इसके अंदर हम लोग आलू डालेंगे। अरे खोबरा जो पीस कर रखा था वो डालेंगे। गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं ज़्यादा पतला नहीं, ज़्यादा गाढ़ा नहीं बना रही हूँ, ये थोड़ा गाढ़ा ही रहता है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसको अच्छे से पकने देते हैं आलू गलने तक। 5-6 मिनट लगेंगे आलू गलने को। इसको ढक्कन डालकर फिर एक बार पकने देंगे। ये देखिए आलू हमारे अच्छे से पक चुके हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई इसमें से। अब इसमें मैं हरा धनिया डालूँगी थोड़ा। इसको मिक्स करेंगे। ये आलू अगर आपको नहीं पसंद है तो ना भी डाले तो चलेगा, लेकिन इसमें आलू अच्छे लगते हैं इसके लिए मैं डालती हूँ। और मेरे बच्चे सालन का आलू बहुत शौक से खाते हैं। अभी मैं गैस को बंद करूँगी और इसको सर्व करेंगे। ये देखिए हमारी शिकोरी बनके तैयार है, गर्मा गर्म बहुत टेस्टी बनी है। इसको चावल के साथ खाते हैं वैसे, और चावल के साथ ही बहुत मज़े की लगती है। इसको धान शिकोरी बोलते हैं। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।